और उनके बारे में वो हस्ती है उन हस्ती के वंशज है जिन्होंने बॉलीवुड की नींव रखी है। महान आत्मा दादा साहब फाल्के के पोते देव सहलानी जी, हमारे यहाँ पर चर्चित कलाकार हैं हमारे रमेश गोयल जी, हमारे मुख्य कलाकार हैं। नमस्कार दोस्तों, हेलो हाय एवरीवन, और बोलता तो हूँ और बहुत ज़्यादा ही बोलता हूँ, कभी कभी प्रेशर साइलेंस भी रहता हूँ। बॉलीवुड में काफ़ी सारे लोग मेरे को बोलता भी क्या भाई तू बोलता क्यों नहीं, जब भी बोलता हूँ तभी बोलते तू बोलता क्यों, तो प्रॉब्लम ही यही है। तो मैं अमन हिस्ट्री जो पिक्चर है इसके बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, ये जो मूवी है एक बायोपिक है और अमन जो कैरेक्टर है बहुत बेहतरीन रहेगा। अभी बॉलीवुड में बहुत क्रिएटिविटी आ रहा है, आई थिंक आप लोगों ने जियो देखा, शाहरुख खान को छोटा भी बनाया, कभी किसी को 3D बना देता है, तो मैं कुछ सस्पेंस लग रहा हूँ इस फिल्म में, मैं कुछ नया क्रिएटिविटी कर गया डेफिनेटली, और ये सोचते रह गए ये कैसे किया। पिक्चर बनाना और पिक्चर को रिलीज करना, मार्केटिंग, पूरी टीम होती है, पूरी टीम की वर्क होता है, स्टोरी राइटर बहुत काम होते हैं, देखने वाला तो 180 रुपये लेके निकल जाता है, फिर बाद में गालियां भी देते हैं, वो भी सुनना पड़ता है, बाद में अच्छा ही भी बोलते हैं वो भी सुनना पड़ता है। बट मैं इस बार कुछ नया चीज़ लेके आने वाला हूँ। अभी मैंने एक रिसेंटली फिल्म की करके आया हूँ प्यार को सलाम, उसमें का भी 2-4 कलाकार मेरा साथ उपस्थित है, उसमें इस तरह के सूर्य वीर का रोल भी किया है, तो वो भी मैंने जो 3D से काम किया, वो जो पिक्चर का मैंने शूट किया वो पूरा मोशन बनाया, क्योंकि वो मोशन क्यों बनाया क्योंकि 3D पिक्चर देखने के लिए मल्टीप्लेक्स या PVR में जाना पड़ता है, PVR में 4K स्क्रीन में जाना पड़ता है, जो हाथ मजूरी करने वाला बंदा वो PVR में 500 रुपया टिकट देके पिक्चर 3D कहाँ से देखेंगे, तो उसके लिए मैंने नया क्रिएटिविटी माइंड निकाला, क्या मोशन बोल दो, एक भी जो भी शूटिंग हुआ है सब मोशन में किया हुआ है। आप सादा थिएटर पे भी देखोगे या टीवी में भी देखोगे तो आपको लगेगा कि वो विजुअलाइज मेरे सामने आ रहा है, मैं उस तरीके से शूट किया है। तो मैं गरीबों के लिए भी सोचा कि जो लोग 800 रुपये लेके टिकट निकल के 3D पिक्चर नहीं देख सकते हैं, तो कम से कम उनकी सारा थिएटर पे भी जाता है तो सारा थिएटर पे भी वो फिल्म चलते हैं, तो कम से कम उनको 3D ऐसा, तो ये सोच में रखता हूँ। तो इस बार में भी मैं जो ये अमन हिस्ट्री जो फिल्म में डायरेक्शन कर रहा हूँ और इसका जो प्रोड्यूसर सर है प्रवीण राय जी और सरोज राय जी को मेरा शुभकामना है, और ये फिल्म को हम अच्छे से बनाएंगे और जल्द से जल्द रिलीज करेंगे और कुछ नया क्रिएटिविटी लेके आएंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों, भाइयों, बहनों और बच्चों, सबसे पहले नई साल सबको मुबारक, ये नई साल का माहौल है और जब भी फिल्म कोई नई स्टार्ट होती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि नई फिल्म स्टार्ट होने का मतलब यह है उनकी 50 से लेके 100 आदमियों का घर जो है चलता है। सबसे बड़ी समस्या है घर चलाने की, तो इसमें जितने भी टेक्नीशियन होंगे और तमाम लोग होते हैं, प्रोडक्शन के लोग होते हैं, ये सब जो है डिपेंड करते हैं एक नई फिल्म स्टार्ट होने पर। तो आजकल जो माहौल चल रहा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का वो नई फिल्मों का ही चल रहा है, क्योंकि बड़े बड़े कलाकार सबको अवेलेबल नहीं है, सब बड़े बड़े कलाकारों को नहीं ले सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर नई फिल्में स्टार्ट हो रही हैं। ये कुछ ही समय से स्टार्ट हुआ है इस तरह का नई फिल्म बनना, बीच में नई फिल्म बनना कुछ बंद सा हो गया था, लेकिन अभी बहुत अच्छा है, नई साल में कई फिल्में स्टार्ट हो रही हैं जिसमें ये भी है। और जिस तरह से प्रोड्यूसर साहब हमारे प्रवीण राय और मैडम सुरेश सरोज राय वो यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वो मुंबई में आकर और एक अच्छी फिल्म बनाने जा रहे हैं। डायरेक्टर देव, इनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक अच्छा स्टेप उठाया, अच्छी फिल्म बनाई, और फिल्म जो है वो बच्चे के बारे में है, आम फिल्म नहीं है, ये बच्चे के बारे में फिल्म है। एक बच्चा जो मेरे साथ बैठा हुआ है ये इसका मेन हीरो है, पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द है, तो
ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों की फिल्म बनने जा रही है। ज़्यादातर लोग बच्चों की फिल्म बनाते नहीं, लेकिन ये मिस्टर प्रवीण राय और सरोज राय ने दिल में सोचा हुआ है कि हमको फिल्म बनानी तो बच्चे के बारे में बनानी, क्योंकि वो बच्चों से काफ़ी रिलेटेड है। और जिस तरह से सब्जेक्ट इसका मुझे बहुत पसंद आया है और बहुत अच्छी फिल्म बनने वाली है। मेरी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन, कास्टिंग डायरेक्टर, एक्टर, टेक्नीशियन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं इतना ही कहूँगा कि आप इस फिल्म के लिए सब लोग दुआ करें, सब लोग कोशिश करें कि ये फिल्म बने और रिलीज़ हो, क्योंकि फिल्म का बनना और रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। फिल्म बनती है, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन वो प्रॉब्लम निकले, आपका आशीर्वाद हो गया, आपकी तपस्या हो गई, फिल्म के बारे में सही सोचेंगे आप, तो निश्चित रूप से सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है और मेरे हिसाब से ये फिल्म बहुत अच्छी बननी चाहिए। सभी को मेरा हार्दिक हार्दिक नए साल का शुभकामनाएं। मैंने एक मूवी प्यार को सलाम उसमें लीड रोल किया है सूर्यवीर का, और अभी स्टार प्लस पर इश्क बाज में भी मैंने रोल किया है। प्यार को सलाम में देव सर ने ही मुझे सिखाया था सारा इश्क, तलवारबाजी, और इस मूवी में भी सर ने मेरे को लिया, इसलिए मैं सर को अपने तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, 15 साल से मैंने ये सपना देख रखा है कि मुझे मूवी बनानी है। मैं बहुत मतलब छोटे से टाउन में पैदा हुआ था, पिपार शहर नाम है जोधपुर जिले में, उसके बाद जोधपुर डिस्ट्रिक्ट सिटी में मेरी एजुकेशन हुई, फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है बैंगलोर से किया। उसके बाद बचपन से पिक्चर देखने का शौक था, मैं और मेरे अंकल जी पीछे बैठे हैं राजीव राय जी, साथ में पिक्चर देखने जाया करते थे, तभी से इच्छा थी। और इस प्रोजेक्ट को लेकर मेरे मन में इच्छा 15 साल कि मैं इस पिक्चर को कम्प्लीट करूँ, लेकिन मेरे को जोधपुर में मैं रहता हूँ इसलिए शायद सही लिंक नहीं मिल पा रहा था कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है। उसके बाद मेरी मुलाकात मैडम से हुई, अनुमन मैडम से, उन्होंने प्रदीप सर से मिलवाया मुझे, आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद रहेगा तो शायद ये पूरी भी हो जाए। क्या खास बात लगी इस फिल्म की और क्या इन्वेस्टमेंट की है, थोड़ा सा अगर बताइए कि कहानी क्या है फिल्म की और क्या खास बात लगी? सर कहानी एक बच्चे पर है, बच्चे पर आधारित है, और एक बच्चे को कैसे प्रेशराइज किया जाता है पढ़ाई के लिए, उसको कैसे मजबूर किया जाता है जबकि उसका इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं है, पढ़ने में वो ज़्यादा होशियार नहीं है, लेकिन जब पेरेंट्स इसमें, सर पेरेंट्स का भी एक पार्ट है कि उनकी थिंकिंग कितनी बड़ी है, वो अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं और उस एम को लेके वो उस बच्चे को कितना प्रेशराइज करते हैं, तो यही है सर। और कैसे उस बच्चे, वो बच्चा जो है कैसे उस चीज़ को हैंडल करता है और किस प्रकार से वो उससे निकल के और एक सक्सेस लाइफ की ओर बढ़ता है, यही है सर इसका। सर जब आपके पास ये स्टोरी आई सबसे पहले तो क्या रिएक्शन था और आपके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब करने वाले हैं काम? यस सर, देव सर के बारे में सर मैं क्या बोलूं, देव सर तो आप सब जानते हैं, बहुत मशहूर, और इनके काम में कोई दिक्कत है नहीं, आप सब जानते हैं। मैं तो अभी इनसे आज फर्स्ट टाइम आज मुलाकात हुई है मेरी, पहले मेरे मुझसे बात हुई है इनकी फ़ोन पे, लेकिन आज पहली बार है जो मैं इनसे मिला हूँ, और मुझे लगता है कि हम लोग एक बहुत अच्छी मूवी प्रेजेंट कर पाएंगे और अपनी सोच को आगे रख पाएंगे लोगों के। डायरेक्टर सर बताइए हमारे इस फिल्म में, इस फिल्म को मैं इसके लिए मैं लिया हूँ, पहली बात तो एक बच्चे का ऊपर स्टोरी है और मैंने कुछ विजुअलाइज किया, इमेजिनेशन किया, जो इमेजिनेशन होता है एक डायरेक्टर यही सोचता है कि कुछ अच्छे स्टोरी, अच्छे कॉन्सेप्ट या लेटेस्ट कुछ चीज़ आए उसका पास, तो मुगली पिक्चर बना, फिर सलाम डॉग बना, दो बच्चे फेमस हुए थे, तो मैं ये सोचा मैं इस बार एक बच्चे फेमस करूँगा डेफिनेटली,
तो बच्चे के ऊपर स्टोरी बहुत कम बनते हैं, और बॉलीवुड में बायोपिक अभी क्रेज चल रहा है, बायोपिक बनाना, सुल्तान पिक्चर हो गया, सुई धागा हो गया, या वो काफ़ी सारे मूवीज़ है जो बायोपिक के ऊपर ही बनते हैं, तो ये भी किसी की बायोपिक है, अमन नाम के जो है उनकी बायोपिक है, और डेफिनेटली ये काम जो है स्टोरी बहुत कॉन्सेप्ट अच्छे है, और मैं कुछ नया क्रिएटिविटी दूंगा, ना मैं 3D बनाऊंगा, ना मैं मोशन बनाऊंगा, ना मैं किसी का कॉपी करूंगा, लेकिन कुछ हटके दूंगा, दिस माय चैलेंज। इस स्टोरी में प्रोड्यूसर सर ने बताया, जैसे पढ़ाई के लिए उनको जो बच्चे हैं उनको प्रेशराइज किया जाता है, हर एक चीज़ के लिए बच्चे को रुकावट दिया जाता है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। तो डेफिनेटली मतलब ये फिल्म का जो मैं स्टोरी थोड़ा सा स्टडी किया मेरा शूट का कारण, लेकिन बेहतरीन स्टोरी है इसके लिए मैंने सिलेक्ट किया, और अच्छे कॉन्सेप्ट अभी सब बता दूंगा तो थिएटर में पब्लिक कम जाएगी, तो इसके लिए मैं ये चाहता हूँ, मैं बोल के नहीं दिखाना चाहता, करके दिखाना चाहता हूँ। प्रोड्यूसर सर से जब मेरी मुलाकात हुई थी तब मुझे भी नहीं पता था कि फिल्म है क्या, लेकिन जब हम लोगों की काफ़ी देर 2-3 घंटे की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया, तो मुझे लगा कि ये एक चैलेंजिंग और बहुत अच्छी मूवी है, और आज के टाइम में बच्चे पर जो भार आ रहा है पढ़ाई का, मेंटली बहुत वो डिप्रेस होता जा रहा है, और जो उसको माहौल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है प्रॉपर, जिससे बच्चा हमेशा हैरेस रहता है, और हो सकता है कई बार ऐसे बच्चे घर छोड़ के जाना, या वो धीरे धीरे डाउन हो जाना, अपनी लाइफ स्टाइल को और गलत रास्ते डाल देना, ये सारी चीज़ें आती है। तो इस मूवी के जरिए हम उस बच्चे को पूरा फिल्मांकन करके दिखाना चाह रहे थे कि आगे चल करके ये बच्चा कैसे चेंज होता है, और कैसे वापस पेरेंट्स को भी रियलाइज़ होता है कि हम कहाँ गलती कर रहे थे और हमें क्या सही करना चाहिए था। तो ये दोनों चीज़ों का मिला जुला एक बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, जो आने वाले समय में हर बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। और टीम हमारी बहुत अच्छी है, देव सर का साथ है, प्रोड्यूसर सर प्रवीण सर, सरोज जी का बहुत अच्छा इनका कॉपरेट है हमारे साथ, तो हम सभी टीम मिलकर के चाहेंगे कि इसको बहुत अच्छा बनाए और सभी पब्लिक को आगे दें। सर में ये है सर, फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो एकदम नया है, मुझे नहीं याद आ रहा कि मैंने ऐसी कोई फिल्म देखी है जिसमें कि बच्चे के ऊपर इस तरह का प्रेशर हो कि बच्चा परेशान हो जाए और माँ बाप ज़बरदस्ती कर रहे हों और उसे पढ़ाने की और वो नहीं पढ़ना चाहता हो। इसमें जो नया एंगल है वो ये है कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता और माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं। ये छोटी सी लाइन है, लेकिन इस लाइन में ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिलके काफ़ी बीच में बहुत कुछ मसाला है इसके, कि बच्चा किस तरह से अकेला ही टैकल करता है पूरी सिचुएशन को, और माँ बाप को एहसास दिलाता है कि भाई मेरी जो हॉबी है, मुझे जो करना है मुझे करने दीजिए, आप मैं उसमें कामयाब हूँगा। जो मैं समझ रहा हूँ सब्जेक्ट से वो यही है कि सब्जेक्ट में बच्चे को दबाव में नहीं लाना चाहिए माता पिता को, ये मैसेज पहला है इसमें कि माता पिता को बच्चे का जो नेचर देखना चाहिए कि भाई बच्चे किस नेचर से कहाँ जाना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है, उसको वही पढ़ाना चाहिए। कई कंट्रीज में ऐसा है कि बच्चे को पहले वो जज करते हैं तब वो उस स्कूल में डालते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सिस्टम ये है कि नहीं बच्चे को स्कूल में डालो पढ़ाओ इसको, ये नौकरी करेगा या कुछ करेगा, लेकिन पढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, तो जो उस पर प्रेशर है वो प्रेशर उसे कहाँ कहाँ किन किन कंडीशंस में ले जाता है फिल्म में, वो सब फिल्म में आ जाएगा, और लास्ट में माँ बाप को एहसास होगा, नाते रिश्तेदारों को एहसास होगा, परिवार वालों को एहसास होगा कि वाकई हम गलत थे और ये बच्चा सही था, बच्चे ने जो चाहा वो किया और उसमें कामयाब हुआ। मेरे हिसाब से सब्जेक्ट का मतलब यही निकलता है। सर ने मेरे को अपने बेटे की तरह माना, सर ने मेरे को हर चीज़ सिखाई, सर ने मेरे को दूसरे के साथ करवाया, अगर तकलीफ होती थी सर मेरा ध्यान देते थे, अगर लग जाती थी तो वो मेडिसिन सब करवाते थे, और सर बहुत अच्छी मूवी बना सकते हैं, और ये जो मूवी बना रहे हैं उसमें मैं लीड रोल कर रहा हूँ, ये मूवी भी बहुत आगे जाएगी, ये एक बच्चे के ऊपर है। नए साल की शुभकामनाएं सबको, आपको भी और जो फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं। प्रोड्यूसर साहब मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हैं, बड़े ज़बरदस्त नन्हे मुन्ने कलाकार बैठे हैं, ईशान, आई जस्ट मेट हिम एंड ही इज़ रियली लाइवली एंड आई एम हैप्पी टू सी हिम। सो बीइंग अ फिल्म बफ, आई एम इनटू फिल्म्स माई सेल्फ एज वेल इन डिफरेंट एरियाज, और
मैं ही चाहूँगा कि ये फिल्म अच्छा करे। और जहाँ तक अभी तक की जो बात हुई है, मैं ज़्यादातर यहाँ पे लोगों को जानता नहीं हूँ, बट मेरे यहाँ पे फ्रेंड है, विजय है, लेकिन अब फ्रेंडशिप भी हो रही है दूसरे लोगों से भी, कि ये बच्चे को लेकर के मूवी है। ज़्यादातर जो भी समाज आप ले लीजिए, उसमें जो अभी अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो काफ़ी सारी तादाद है जो बच्चों की है, और उनके लिए फिल्में बनना मेरे ख़्याल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तरीका है उनको नरिश करने का, उनको जब वो बड़े होते हैं, कि अगर फिल्म के थ्रू हम एक ऐसी मैसेज क्रिएट कर सकते हैं जिसमें फिटनेस पे बात हो या मॉरल्स पे बात हो, और उसके अलावा पेरेंट तो जो चाइल्ड जो होती है रिलेशनशिप उस पर बात हो, तो ये एक अच्छा तरीका है मैसेज देने का। सो आई रियली अप्रिशिएट दिस मूव एंड आई विश देम लक। आई डोंट नो व्हाट दिस मूवी इज ऑल अबाउट, बट आई पर्सनली होल हार्टेडली विश देम लक एंड थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।